सो वेलकम बैक एवरीवन। एंड आज मैं शेयर करने वाला हूं 5 मिनट रियल क्विक स्ट्रेचिंग रूटीन। एज यू ऑल नो, स्ट्रेचिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। एंड आई नो दैट आप लोग सुपर बिजी रहते हो, आपके पास डेली 30 मिनट 40 मिनट नहीं होता है स्ट्रेचिंग करने के लिए। एंड आई टोटली नो दैट। सो इसीलिए ये स्ट्रेचिंग रूटीन 5 से 8 मिनट का होने वाला है। स्ट्रेचिंग रूटीन को आप कहीं भी कभी भी, लाइक मॉर्निंग में, सुबह, दोपहर में, बेड टाइम से पहले कभी भी कर सकते हो। और वन मोर थिंग, इसे करने के लिए आपको किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको मेरे साथ स्क्रीन तक लास्ट तक बने रहना है। सो माय नेम इज अंकित एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन ई फिट पॉइंट, द पॉइंट टू लर्न एंड गेट फिट मेंटली एंड पोजीशन पे आना है लाइक दिस। ये वाला आपकी ग्लूट्स, बैक, चेस्ट, शोल्डर एक लाइन में होना चाहिए। और दूसरा, थोड़ा सा स्टेप को बड़ा रखना है ये। नाउ ड्राइव योर ग्लूट्स फॉरवर्ड, ग्लूट्स को आगे ले जाओ एंड स्ट्रेच स्ट्रेच एंड होल्ड। होल रखने के बाद अपने हैंड को ग्राउंड पे रखना है, नी को अप करना है एंड ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके ऊपर सीलिंग के तरफ, सीलिंग के साइड देखना है एंड बैक टू नॉर्मल पोजीशन। को पीछे, जिस लेग पे हो आप, पीछे वाले लेग को ऊपर लाना है, स्ट्रेच करना है चेस्ट तक। से 30 सेकेंड होल्ड करना है गाइस इसे। नाउ अब इस वाले लेग को जो आगे है उसे फॉरवर्ड रखना है और थोड़ा बाहर की ओर रखना है, नी लॉक रखना है स्ट्रेट बिल्कुल, और बेंड होकर दोनों हैंड से उसे टच करना है। नाउ इसी पोजीशन पे रहना है लाइक दिस। दूसरे लेग को स्लाइड डाउन करना है, तो ऊपर होगा सीलिंग के ऊपर साइड एंड होल्ड फॉर 30 सेकेंड। नाउ अब सेम प्रोसेस को, द सेम चीज को दूसरे लेग के साथ करना है। नीलिंग पोजीशन पे आओ। नाउ इस साइड वाले लेग को फॉरवर्ड रखना है, इसे पीछे रखना है, ग्लूट से फॉरवर्ड आगे आना है, स्ट्रेच करना है, फुल्ली स्ट्रेच एंड होल्ड। होल्ड 20 टू 30 सेकेंड एटलीस्ट होल्ड करना है गाइस। नाउ होल्ड, कम बैक, ग्राउंड पे प्लेस करना है, नी को लिफ्ट करना है और इस वाले हैंड को ऊपर ले जाकर सीलिंग के तरफ अगेन होल्ड फॉर 30 सेकेंड मिनिमम। नाउ ड्रॉप, कम बैक, अगेन लेफ्ट वाले नी को, सॉरी लेग को ऊपर लाना है और हैंड से ग्रिप करना है इसे और बिल्कुल पुल करना है, स्ट्रेच करना है अपने क्वाड्स को, लेग्स को एंड होल्ड 30 सेकेंड एटलीस्ट होल्ड करना इसे, 20 टू 30 सेकेंड। नाउ रिलैक्स। नाउ अगेन बोथ नी पे आना है जैसे राइट साइड से किया था आपने। लेफ्ट नी को वही रखना है एंड राइट वाले लेग को स्लाइड डाउन करके टोज को सीलिंग के तरफ रखना है, ऊपर अपने फिंगर्स को सारे डाउन एंड स्ट्रेच स्ट्रेच एंड ग्राउंड को ग्रिप करो और स्ट्रेच करो, मैक्सिमम स्ट्रेच पे होल्ड करना है। Now,
आओ गाइस अपने टोज को फ्लैट रखना है लाइक ऐसे ग्राउंड पे बिल्कुल, और हैंड को फॉरवर्ड लेकर जाना है, स्ट्रेच योर बैक लैट्स एवरीथिंग। Now relax. Next stretching is guys, same position पे रहना है और अपने calf पे बिल्कुल straight बैठ जाना है आपको and hold करना है 30 second like this. 30 second minimum बैठे रहना है. So that's it guys, relax. ये थी quick stretching. आने वाले टाइम में मैं एडवांस स्ट्रेचिंग भी डालने वाला हूँ और बहुत सारी वीडियो प्लान कर रखा है मैंने लाइक क्रॉसफिट की एक्सरसाइजेस, वर्कआउट ऑफ द डे, या फिर एथलीट को कैसे ट्रेन करना चाहिए, अगर आप इस लाइन में करियर बनाना चाहते हो तो आप कैसे शुरुआत कर सकते हो या फिर आप कैसे स्ट्रगल कर सकते हो, हर पार्ट कवर करने वाला हूँ मैं. सो इफ आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज, and if you did give a thumbs up, ek like to banta hai, and one more thing, share your feedback in comment box, please do this, anything, kuch bhi comment kar sakte ho aap, is like agar aapko kuch acha laga wo comment kar sakte ho, if you feel like ki yahan pe mujhe kuch improvement karni chahiye wo bhi comment kar sakte ho aap. So hit that subscribe button and turn on your post notification so you don't miss any video from me. Thank you so much guys, bye bye.